लास्ट टॉपिक है जी हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। पहली क्या है हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशन, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में क्या होता है कि जो बिजनेस का अकाउंटेंट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो बिजनेस के लॉस होने वाले होते हैं, अभी हुए नहीं होते, जो पॉसिबल लॉसेस होती है, उसको लग रहा होता है कि ये हमें लॉस हो जाएगा, वो उसको पहले ही शो करवा देता है कि जी ये लॉस हमें हो सकता है। लेकिन जो इनकम हमें होनी होती है कि ये इनकम हमें हो जाएगी फ्यूचर में, जो पॉसिबल इनकम होती है, वो जो है बिजनेस का अकाउंटेंट शो नहीं करवाता। इसलिए हम इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, कि आप लॉस शो करवा देते हैं कि जी ये लॉस हमें हो जाएगा, लेकिन जो इनकम होनी होती है वो हम शो नहीं करवाते। तो इस जो कन्वेंशन को है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि इसमें जो बिजनेस का अकाउंटेंट होता है वो अपनी मर्जी से जो है वो सीक्रेट रिजर्व रख लेता है, ठीक है, कि हमें इस कस्टमर से पैसे नहीं आने, ठीक है, यहाँ से हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है, पहले ही रिजर्व रख लेता है, ठीक है, लेकिन इनकम जो है वो पॉसिबल वो शो नहीं करवाता। तो इस कन्वेंशन को बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। उसके बाद है सेकेंड वन, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर में क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपने प्रिपेयर कर लिए, लेकिन अभी आपने आउटसाइडर्स को इशू नहीं की, ठीक है, लेकिन आपने इंटरनली अपना अकाउंट सारा कर लिया, अकाउंट्स आपके रेडी हैं, बस आपने इशू कर लिया आउटसाइडर्स को, तो आपको पता चलता है जी अभी कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन क्या होती है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको पता चलता है बाद में कि आपने कुछ एक्सपेंस पे करने हैं, या कुछ इनकम जो है वो रिसीव करनी है, ठीक है, या कुछ एक्सपेंसेस को आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है, तो उनको आपने क्या करना होता है, नोट्स में लिखना होता है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जाहिर है जब आपने इशू कर लिया, अकाउंट्स तो बन गए, तो फिर आप क्या करते हो, नोट्स की सूरत में लिख देते हो, ठीक है, इनको हम एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, ये फर्दर आगे जाके आप डिस्कस करें, ठीक हो गया। तो ये है जी फुल डिस्क्लोजर, कि आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने बिजनेस की जो है वो अपने अकाउंट्स की बुक में शो कर, ठीक हो गया। उसके बाद है जी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से क्या मतलब है, कि आप अगर किसी कंसेप्ट को, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, अगर एक आइटम है आपने परचेज किया है, तो आपने ऑब्वियसली अकाउंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट फॉलो किया होगा, तो फिर आपने जो है वो कंटिन्यूसली उसी को यूज करना है, उसी कॉन्सेप्ट को। अब ऐसा नहीं करना आपने कि आपने एक बार एक एसेट को परचेज किया तो आपने एक अकाउंटिंग का रूल उस पर अप्लाई किया, लेकिन आपने कुछ अरसे बाद उस रूल को जो है ना वो चेंज कर दिया। तो जब आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, आपको कंपैरिजन करने में जो है ना वो डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो ये है कंसिस्टेंसी, कि आप जिस रूल को फॉलो कर रहे हैं, जिस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, आपने उसी को जो है वो फॉलो करना है, टाइम टू टाइम आपने फौरन जो है ना कुछ अरसे के बाद चेंज नहीं कर देना, ठीक है, इससे आपको डिफिकल्टी होगी और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो पिक्चर है वो ट्रू जो है वो शो नहीं होगी। उसके बाद है जी मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है, कि हर वो आइटम जो है वो मटेरियल है, कि जिससे आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है उस पर असर पड़े, उसकी जो है ना वो चेंज हो जाए पोजीशन टोटली। इसका क्या मतलब है, इसकी मैं एग्जांपल आपको छोटी सी देता हूँ। लेट अस सपोज अगर आपको एक इनकम हुई है 10 लाख रुपए की, ठीक है, आप अब 10 लाख रुपए एक ह्यूज अमाउंट है, ऑब्वियसली अगर आप इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे, तो इससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये एक मटेरियल आइटम है, कि आपने 10 लाख की इनकम है, आपने वो अकाउंट्स की बुक में शो नहीं की, ठीक है। तो ये है मटेरियलिटी कंसेप्ट, कि हर वो मटेरियल आइटम जो है वो प्रॉपरली, ठीक है, करेक्टली आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने 10 लाख की इनकम को एक्सपेंस शो कर दिया तो ये भी गलत होगा, इससे भी आपकी
जो फाइनेंशियल पोजीशन है ठीक है, या आपके अकाउंट्स की बुक है, उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये एक मटेरियल आइटम है। 10 लाख अमाउंट बहुत ज्यादा है ठीक है, लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखें जो स्टेशनरी की आइटम्स है ठीक है, जो स्टेशनरी की आइटम्स होती है ना, उसका जो स्टॉक होता है ना वो हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं। स्टॉक गुड्स का भी एसेट होता है ठीक है, और स्टेशनरी का भी जो स्टॉक होता है वो भी एसेट होता है ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, स्टेशनरी को ना एक्सपेंस चार्ज करते हैं जब आप परचेज करते हैं। क्यों एक्सपेंस चार्ज करते हैं? क्योंकि ये एक मटेरियल आइटम नहीं है ठीक है, ये मार्कर है। आप इसको अपने पास एक साल भी रख सकते हैं, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं ठीक है, लो कॉस्ट आइटम है ये ठीक है। तो आप इसको अगर एक्सपेंस भी शो कर देंगे ना, ये 60 रुपए का मार्कर है ठीक है, लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंस भी शो कर देंगे ना, तो इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे या आपके अकाउंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इमटेरियल आइटम है। तो मटेरियल आइटम का आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हर वो आइटम जिससे कि आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो चेंज हो जाए टोटली। लेट सपोज मैंने बताया आपको कि एक 10 लाख रुपए की इनकम आपने इसको एक्सपेंस शो कर दी है, ये एक मटेरियल आइटम थी, इससे आपकी जो अकाउंट्स की बुक्स है उस पर फर्क पड़ेगा ठीक है। तो मटेरियल आइटम को जो है आपने प्रॉपरली करेक्टली अपनी अकाउंट्स की बुक में क्या करना है, शो करना है ठीक है। अभी हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया ठीक है। आप लोगों ने, मैंने पहले भी बताया थ्योरी को क्या करना है, मेरा लेक्चर सुनना है, उसके बाद आपने थ्योरी को सिर्फ रीड करना है, याद कुछ भी नहीं करना है। दिखने में आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा थ्योरी है, लेकिन थ्योरी जो है वो जरूरी है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ये सारी थ्योरी, आप प्रैक्टिकल में अप्लाई करेंगे ठीक है, हम प्रैक्टिकल भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। लेकिन थ्योरी मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, चीजें आप लोगों के लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। और पहले 5 चैप्टर मैंने आपको फिर बता रहा हूँ अकाउंटिंग की क्या है बेसिक्स ठीक है। आप लोग थ्योरी को रीड कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए, याद आप लोगों ने कुछ नहीं।